हेलो गाइस, आज आपको एक वीडियो लेकर आया है जो यूटीआई डिपार्टमेंट का न्यू पैनल आप जानते हैं जो यूटीआई डिपार्टमेंट ऑलरेडी न्यू पैनल अपडेट किया है मार्केट में। हम पहली कंपनी है जो हमारे पास पहले आया है यूटीआई डिपार्टमेंट का पैनल। तो ये जो ओल्ड वाला पैनल था जहाँ से कूपन परचेस करता था, ठीक है, वो चेंज हो गया है। मतलब वो ओल्ड वाला हो गया, वो ओल्ड है। न्यू जो अभी अपडेट है वो कैसे क्या करना होगा, छोटा सा आपको एक एग्जांपल थ्रू बता रहा हूँ। तो चलिए धुरिए, ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ये यूआरएल हमारा व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा एंड आपको जो एजेंट है एजेंट के पास भी मिल जाएगा। ये यूआरएल लिंक में पहले आना होगा और आपको पास धुरिए ओल्ड आईडी था, आपको ओल्ड यूटीआई पैन कार्ड का आईडी यही था, पासवर्ड आपको पास है। तो आपको न्यू पासवर्ड लेने के लिए, न्यू आईडी लेने के लिए क्या करना होगा, ये सेम जो ओल्ड है ना, इसको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप जो नंबर है उसको हमें सेंड कर दीजिए एंड आपको न्यू यूटीआर पैनल का आईडी पासवर्ड ले लीजिए, ठीक है। तो काइंडली कृपा करके आपको ओल्ड वाला यूटीआई पैन कार्ड का आईडी सेंड करिए हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर का ऊपर। वो हमारा ये वीडियो का अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा वहां पर आपको मिल जाएगा ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर और न्यू वाला आईडी हम ऑफिशियल व्हाट्सएप में ही प्रोवाइड कर दूंगा। ये सिर्फ ये प्रोसीजर 3 से 4 दिन चलेगा, उसके बाद ऑटोमेशन काम होगा और ऑटोमेशन ही आपको आईडी देखने के लिए मिल जाएगा। पहले क्लियर हो गया है, न्यू आईडी लेने के लिए आपको ओल्ड वाला आईडी हमारा ऑफिशियल जो ग्रुप है उसको ऊपर में सेंड करना होगा। क्लियर, आपको जो लिंक है, जो लिंक में कार्बन करना होगा, जो लिंक में लॉगिन करना होगा, वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको दिक्कत नहीं आया होगा। पहले ओल्ड वाला लिंक में लॉगिन नहीं होगा, न्यू वाला लिंक में लॉगिन होगा, जो लिंक रहेगा यही लिंक रहेगा। ये लिंक हमारा यूट्यूब में लास्ट वाला में प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना, लास्ट कॉपी करके आप लॉगिन कर लेना। और दूसरा जो बात है, हमारा पुराना यूटीआई पैनल का जो आईडी था वो आईडी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर में भेजिए और न्यू आईडी ले लीजिए, ठीक है, न्यू आईडी लीजिए। तो क्या कारण होगा, चलिए हमारा न्यू आईडी मिल गया है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर क्या है एक बार बता रहा हूँ, 8436132456, ये वाला ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम प्रोवाइड कर दूंगा ब्लॉक लेटर में, ठीक है। चलिए हम यहाँ से पासवर्ड डाल रहा हूँ, ओल्ड आईडी हम हटा दिया था, हमारा न्यू मिल गया है तो न्यू आईडी डालना होगा। तो चलिए न्यू आईडी हम डाल रहा है, तो क्या है, हम ओल्ड आईडी ऑफिस का नंबर में सेंड कर दिया और न्यू आईडी मिल गया है, प्लस ये जो सेम आईडी है पहली बार के लिए, आप पहली बार न्यू आईडी मिला है और वो सेम आईडी ऊपर में डाल रहे हैं लॉगिन पैनल में और पासवर्ड में भी सेम आईडी डाली है, सेम आईडी जो यूटीआर का न्यू मिला है न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए, ओल्ड वाला देकर व्हाट्सएप में न्यू आईडी मिला है, वो न्यू आईडी आप पासवर्ड में भी डालिए, यूजर में भी सेम आईडी डालिए। डालने के बाद एक ऐप से डालने के बाद आप थोड़ा सा सबमिट कर दीजिए, ओके। सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, तो वेट करने के लिए ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, पहले आएगा आपको क्या, पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो पासवर्ड चेंजिंग के लिए क्या आएगा, चलिए आपको प्रोवाइड दिखा रहा हूँ, जो पासवर्ड चेंजिंग करने के लिए आपको इसी तरफ से आएगा। तो इसी तरफ से आने के लिए आपको यहाँ पर ओल्ड आईडी क्या बोला, जो आपको जो यूजर आईडी है वही है आपको ओल्ड आईडी, मतलब अभी जो लिया है न्यू वाला, न्यू को बोल रहा है। पहले ओल्ड को तो ऑफिशियल नंबर में प्रोवाइड कर दिया, करने के बाद एक न्यू आईडी मिला है, वो न्यू आईडी पहले यूजर होता है और पासवर्ड भी न्यू आईडी होता है, ठीक है। तो ये जो ओल्ड पासवर्ड है तो हमें न्यू आईडी भी कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा, ओके। सीधा सीधा आपको दिमाग में आ रहा है, ये डाल दिया, डालने के बाद न्यू पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा। तो पासवर्ड ध्यान से रखो, पासवर्ड क्या करना होगा, देखो लोअर लेटर मतलब लेटर है, ठीक है, ये कैप्सा लेटर है, ये नंबर, ये स्पेशल कैरेक्टर, ये मैक्सिमम कैरेक्टर, तो आपको 5 डिजिट के ऊपर में होना चाहिए। तो पासवर्ड क्या लगाना होगा, चलिए हम दिखा रहा हूँ पासवर्ड कैसे बनाना होता है। यहाँ पर जो पासवर्ड लगा रहे हैं सेम पासवर्ड नीचे भी लगाइए, अरे सबमिट में क्लिक कर दीजिए। तो सबमिट में क्लिक करने के बाद क्या होगा वो आपको बाद में बता रहा हूँ। तो चलिए पासवर्ड कैसे बनाना होता है, चलिए दिखा रहा हूँ आपको जो पासवर्ड बनाना होगा, कैसे पासवर्ड बनाना होगा, ये यूटीआई का न्यू पासवर्ड कैसे बनाना होता है। तो चलिए आप ब्लॉक लेटर में लिखिए बी के
ये आपको ऊपर में पासवर्ड कैसे छोटा था बी के स्मॉल लेटर में कोई नंबर डालो, कोई एट द रेट हो सकता है, हैश हो सकते है, दीजिए। ये पासवर्ड आपको बनाना होगा, ऐसे तरह से आपको पासवर्ड बनाना होगा। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर डालना होगा, यहाँ पर भी डालना होगा, ठीक है। डालने के बाद ये थोड़ा सा सबमिट कर दीजिए। चलिए सबमिट कर दिया, सबमिट कर दिया। चलिए जब हम सबमिट प्रोवाइड कर दूंगा, सबमिट करने के बाद ये सक्सेसफुली लॉगिंग आउट दिखाएगा। दिखाने में पहली क्या है, आपको जो आईडी मिला है हमारा पास से, वो आईडी यहाँ पर डालिए, ध्यान से डालिए आईडी, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आईडी हमारा मिला है, और अभी जो पासवर्ड बनाया था, अभी जो पासवर्ड बनाया था, जो आप दिखाया था ऐसे पासवर्ड बनाओ, ये पासवर्ड आप यहाँ पर डालिए, यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। चलो हम डाल दे रहा हूँ। तो हम वो पासवर्ड जो अभी बनाया था ये डाल रहा है यहाँ पर। डालने के बाद ये कैप्चर जो है, कैप्चर हम फिलअप कर रहा है, ठीक है। ये लॉगिन करो ऐसे, क्लियर। इतना टाइम तो क्लियर हो गया ना आपको, इतना टाइम क्लियर हो गया जो बताया था, ये सिंपली क्लियर हुआ। धरिए आपको पास न्यू ओल्ड बैलेंस था, ओल्ड पहली जो काम करता था, कूपन जहां पर खरीद लेता था, वहां पर कोई कूपन आप खरीद लिया था तो कितना रुपया देकर खरीद लिया, वो कैसा, यहाँ पर रिक्वेस्ट लगाओ, देखो EMIS यहाँ पर आओ, और यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट के अंदर में जाइए। जाने के बाद जो पैसा पहली में आप रिक्वेस्ट लगा चुका है ऑलरेडी, कूपन परचेस किया है, तो कूपन आपको पास नहीं आया, कितना रुपया था वो रुपया आप संख्या में यहाँ पर डालो। हो सकता है 100 रुपीस, हो सकता है आपका 97 दो आईडी लिया था, दो आईडी क्या हो सकता है, 200 रुपया हो सकता है, जो आप पहली डाला था ऑलरेडी ओल्ड पैनल में, जितना पैसे में कूपन खरीद लिया था आपको नहीं आया, तो वो आईडी यहाँ पर डालो, इतना वो अमाउंट यहाँ पर डालो, कोई भी एक रेफरेंस नंबर डालो। डालने के बाद सबमिट, जस्ट सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, तो आपको पास पैसा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये डैशबोर्ड में शो होने लगेगा, डैशबोर्ड में शो होगा, ठीक है। तो क्लियर, ऑलरेडी आपको इतना दिखाया था, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, मतलब आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। बस पहले ये काम करो, उसके बाद कैसे पैन कार्ड अप्लाई करता है वो भी हम प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरा जो बात है, आपको जेनरेट बैलेंस नहीं करना, पैन कार्ड अप्लाई किया है, ठीक है, बढ़िया है, कोई जेनरेट बैलेंस करने के लिए आपको नहीं करना, वो ऑटोमेटिक रात 12 बजे के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात, यही खत्म है। नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखकर यही काम आपको पहले आपको करना होगा, बार बार इसी के लिए आप व्हाट्सएप मत करो। ये छोटा सा काम है, ये आपको प्रोवाइड कर दिया, ये देखो, और न्यू आईडी लेने के लिए व्हाट्सएप करो, बस क्लियर। थैंक यू, और आपको अच्छा लगा तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको एक बार सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। चलो दिखा रहा हूँ यूट्यूब चैनल, ये हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, नाम है AEPS API सर्विस। तो काइंडली प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपको ये शेयर करिए, आपको ब्रांड में काम आया है, और न्यू आईडी लेने के लिए, न्यू API लेने के लिए हमारे साथ कॉन्टेक्ट करो। थैंक यू, थैंक यू।